अस्सलाम वालेकुम, शहरनामे के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान और मैं हूं वकारुल हसन। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आरिफ वाला के इलाके गुलशन इकबाल टाउन पटवारी के घर डकैती की वारदात, डाकू लाखों रुपए के तलाई जेवरात और नकदी लेकर फरार। 3 रोज में 4 वारदातें, शहरी परेशान। पुलिस हुकाम से डाकू गैंग को गिरफ्तार करने का मुतालबा। पतोकी के इलाके फूल नगर में 4 माह कबल होने वाले अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन, कातिल दोस्त निकला। थाना सदर पुलिस का कार्रवाई करते हुए मुलजिम मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का एतराफ जुर्म। शेखपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोमल ज्यादती केस के मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO शेखपुरा के मुताबिक इज्तमाई साथी का निशाना बनाने वाले तीनों मुलजिमान सगे भाई हैं और मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फैसलाबाद के इलाके समंदरी से गिरफ्तार किया गया। तहरूर पक्का में बार एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल। इंतखाबात में राना मंजूर अहमद खान सदर जबकि मियां मां सईद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बार में मिठाइयां और मुबारकबाद का सिलसिला जारी। पाक पतन के इलाके मलका होनस में पंजाबी अदब के मशहूर तस्नीफ हीर रांझा जब वारिस शाह के हाथों से गुजरी तो हीर वारिस शाह बन गई। इस हवाले से रिपोर्ट भी शहरनामे का हिस्सा है। नंकाना साहिब इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में जिले भर में 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम के दौरान नंकाना साहिब में 5 साल से कम उम्र के 2,46,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हेडलाइंस आपने जाने, शहनामे का बकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, वेलकम बैक। शहनामे का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, ननकाना साहब इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिले में जिला भर में 5 रोजा मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम के दौरान ननकाना साहब में 5 साल से कम उम्र के 2,46,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। मजीद जानते हैं ननकाना साहब से चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर बाकायदा आगाज किया। इस मौका पर CO हेल्थ ननकाना डॉक्टर सुहेल तारक, MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर असवन यार समेत दीगर डॉक्टर भी मौजूद थे जिन्होंने बच्चों को पोलियो और विटामिन के कतरे पिलाए। पोलियो के खिलाफ मुहिम 15 जनवरी तक जारी रहेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम के सिलसिला में इजलास की सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने कहा
कहा, ननकाना साहब में पोलियो मुहिम के लिए 746 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जिला भर में 5 साल से कम उम्र के 2,46,563 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इसी सिलसिला में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान खालिद, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना सोलत याद वट्टू ने मुख्तलिफ इंस्तादे पोलियो पॉइंट का दौरा किया और पोलियो टीमों की कारकर्दगी को चेक किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिसर ननकाना इस्माइल रहमान खाड़े की जानब से इंस्तादे पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जिला भर में पोलियो मुहिम के दौरान 250 से ज्यादा पुलिस अफसरान व जवान सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो वन न्यूज, ननकाना साहब। राजनपुर जिले भर में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार की सरबराही में जिले भर में SHO पर मुश्तमिल इजलास मुनाकिद हुआ, जिसकी तफसील जानते हैं AD आमिर की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफिसर फैसल गुलजार की DPO ऑफिस में जिला भर के SHO और SDPO के साथ क्राइम मीटिंग। जिला भर में पुलिस तशद्दुद, निजी टॉर्चर सेल और गैर कानूनी हिरासत नाकाबिले बर्दाश्त है। कानून शिकनों को कानून की ताकत से गिरफ्तार करने के लिए कोम्बिंग और सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे, जिनका नतीजा खेज होने के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड IBO होना जरूरी है। बच्चे और बच्चियों से ज्यादती के मुलजमान को सलाखों के पीछे होना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार DPO राजनपुर फैसल गुजार ने कमेटी रूम में होने वाली क्राइम मीटिंग में किया। मीटिंग में DPO राजनपुर ने जिला भर में क्राइम और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा भी लिया। DPO राजनपुर फैसल गुजार ने कहा कि पुलिस का आवाम दोस्ती वाला मस्बत चेहरा पेश करने के लिए जरूरी है कि उर्फ आम में पुलिस के बारे में तशद्दुद, निजी टॉर्चर सेल और गैर कानूनी हिरासत के हवाले से जो राय मुआशरे में पाई जा रही है उसे अमली तौर पर खत्म होना चाहिए। जिला के किसी थाने या चौकी में गैर कानूनी हिरासत, पुलिस तशद्दुद या निजी टॉर्चर सेल को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में हर सतह के मॉनिटरिंग ऑफिसर जिम्मेदार हैं। अगर किसी इलाके में इस नौयत की शिकायत इंक्वायरी में साबित हो गई तो फिर नीचे से ऊपर तक सारे जिम्मेदार पुलिस वालों को कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिला राजनपुर को कानून शिकनों, समाज दुश्मनों और शर्त पसंदों से पाक करने के लिए सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जरूरी है। हालात का तकाजा है कि यह ऑपरेशन हर हवाले से नतीजा खेज होंगे। DPO राजनपुर फैसल गुजार ने मजीद कहा कि हमें खवातीन को हर किस्म के तशद्दुद से बचाना है, जिसके लिए जिला भर में कानून पर अमलदारी के हवाले से पुलिस को मुतहरक और पुरजोश नजर आना चाहिए। खवातीन को पुलिस की मौजूदगी में तहफ्फुज़ का एहसास दिलवाना चाहिए। DPO राजनपुर ने अदालती अहकाम की फौरी तामील, अदालतों में ठोस शवायद के साथ चालान भिजवाने, कचहरियों में मुअसर और नजर आने वाली सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ उनवान पर पुलिस अफसरान को हिदायत दी। कैमरा टीम के साथ AD आमिर थे, मेट्रो राजनपुर। और यहाँ पर आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी इफ्तिखार बंगश की कब्जे या माफिया के खिलाफ कार्रवाई। बस्ती अब्बास नगर में करोड़ों रुपए मालियत 80 मरले से जायद सरकारी स्कूल की जगह वागुसार करवा ली गई। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राव मोहम्मद इमरान की इस खसूस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शिराजी की हदायत पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी खानेवाल इफ्तिखार अहमद बंगश ने म्युनिसिपल कमेटी की हदूद में नजायज कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपए की मालियत की जगह वागुजार करा ली। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी खानेवाल इफ्तिखार अहमद बंगश ने अपनी टीम के हमरा भारी मशीनरी के साथ बस्ती अब्बास नगर खानेवाल पहुँच गए। नजायज कब्जा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बस्ती अब्बास नगर में सर्वे में वक्फ सरकारी स्कूल की करोड़ों रुपए की मालियत की 80 मरले से जायद जगह सरकारी तवील में ले ली। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी खानेवाल इफ्तिखार अहमद बंगश ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाजायज काबजीन सर्वे में मंजूर स्कूल की जगह पर अरसा दराज से काबिज थे। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शराजी ने चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी इफ्तिखार बंगश को हदायत की के नाजायज काबजीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखें, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। जबकि एहलियान बस्ती अब्बास नगर ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा जहीर अब्बास शराजी से मुतालबा किया के स्कूल की जगह पर जल्द अज जल्द तामीर करवाई जाए ताकि नाजायज कब्जा माफियों से ये जगह बचाई जा सके। कैमरा टीम। पाकपतन के इलाके मलकहांस में पंजाबी अदब की मशहूर तसनीफ हीर रांझा जब वारिस शाह के हाथों से गुजरी तो हीर वारिस शाह बन गई, मगर ऐसा हुआ कहां और कब, ये जगह किस हालत में है ये बता रहे हैं अयूब चावला इस रिपोर्ट में।
हीर रांझा को शायद आज कोई न जानता। अगर उनकी मुलाकात सैयद वारिशाह से ना होती, दोनों की जिंदगी में आए नशेबो फराज को सैयद वारिशाह ने मस्जिद के पहलू में एक हुजरा कायम है जिसे हुजरा वारिशाह के नाम से जाना जाता है। ये वही हुजरा है जहां वारिशाह ने 1766 में इश्को मोहब्बत की गहराई में डूब कर हीर रांझे जैसे लाजवाल करदार लफ्जों के रंगों में निखारे और हीर लिखी और अमर कर दी हीर रांझा आज किताबों में जिंदा है। सैयद वारिशाह के नाम से मंसूब मस्जिद को सकाफती वर्षे का हिस्सा करार दिया गया है। टूटी दीवारों और खस्ता हाली की शिकार मस्जिद, सैयद वारिशाह पर अगर तवज्जा ना दी गई तो पंजाबी वर्षा खाक में मिलने का खदशा है। मस्जिद वारशाह जो पीर वारशाह रहमतुल्लाह अलैह के साथ मंसूबा है और ये वो तारीखी मस्जिद है कि जहाँ पर बैठ कर पीर वारशाह रहमतुल्लाह अलैह ने पंजाबी जुबान का अजीम शाहकार हीर वारशाह तसनीफ किया। हमद खुदा दा रिद की जे किता इश्क ज जगदा मो मियां पहलो अपने रब ने इश्क किता मशूक नबी रसूलिया। पंजाबी वर्षा मस्जिद वारिशाह की खूबसूरती को बहाल करने के लिए पंजाब हुकूमत और महकमा सारे कदीमा अमली इकदाम करे। अयूब चावला, मेट्रो वन न्यूज, पाक पतन। खबर शामिल करेंगे पतोकी से। पतोकी के इलाके फूलनगर में चार माह कबल होने वाले अंधे कत्ल का ड्रॉप सेन, कातिल ही दोस्त निकला। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। आगाह करें आपको, सर्किल पतोकी के थाने सदर फूलनगर की हदूद में गुज़िश्ता चार माह होने वाले अंधे कत्ल के मुलजिम मुर्तजा नामी शख्स को थाना सदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी सर्किल पतोकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया के चार माह कबल पतोकी के इलाके सराय छीना में वाकई पैराडाइज मिल्स में अमानुल्ला नामी नौजवान काम करता था कि करीबी दोस्त मुर्तजा ने पैसों के लालच में आकर अपने दोस्त अमानुल्ला को सर में ईंट मारकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद अमानुल्ला नौजवान मौके पर ही कत्ल कर दिया गया। मुलजिम मुर्तजा मौके से फरार हो गया। इस अंधे कत्ल को थाना सदर फूलनगर पुलिस ने अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरुए कार लाते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अंधे कत्ल के मुलजिम मुर्तजा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम ने तफ्तीश में इकबाल जुर्म कर लिया। आगाह करें आपको कि मुकदमा मुद्दई मोहम्मद यूसुफ ने अपने भाई के कातिल को गिरफ्तार करने पर तफ्तीशी एसआई दिलशाह को बेहतरीन कारकर्दगी पर 30,000 रुपए नकदी इनाम का ऐलान किया, जबकि डीएसपी सर्किल पतोकी ने पूरी टीम को तारीफी इस्नाद देने का भी ऐलान किया। दही जो है मुकदमा है मोहम्मद सैफुल्लाह वल मोहम्मद जमान, इसने 28 और 29 की दरमियानी शब और आठवां माह था। 302 का पर्चा इलाका थाना सदर फूलनगर में दर्ज हुआ और ये एक अंधा कत्ल था जो कि ट्रेस हुआ। पुलिस की इसमें बड़ी काविश मेहनत और जाफिशानी से पुलिस ने काम किया और ये ट्रेस हुआ। और जो मुलजम है वो है, उसका नाम है मुर्तजा। एक्चुअली दोनों जो मकतूल और कातल दोनों आपस में बड़े अच्छे दोस्त थे और जो एक फैक्ट्री है सराय छीना की उसमें ये काम करते थे। तो 28 और 29 की दरमियानी शब मुर्तजा ने उसे सर में कोई चीज़ मारी, मारने के बाद उसका गला घोंट कर उसे मार दिया। तो आईटी जो यूनिट है ज़िला कसूर का, उन्होंने बड़ी इसमें मामनत की, मदद की और जो लास्ट कॉलर था वो ये मुर्तजा ही था। तो मुर्तजा को फिर उस कॉल से ट्रेस किया गया। ट्रेस करने के बाद मुलजम का पकड़ना एक मसला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जितनी भी एजेंसीज हैं उन्होंने हमारी मदद की और इसमें जनाब डीपीओ साहब इमरान किशोर साहब, उसने एक टीम तश्कील दी मेरी क्यादत में जिसमें एसएचओ सदर फूलनगर सकलैन बुखारी और राव दिलशाद और दूसरे एक दो कांस्टेबलान, उन्होंने दिन रात मेहनत की और बड़े ड्रामेटिक अंदाज में इसको हमने गिरफ्तार किया।
और अब आपको खबर दें आरिफ वाला के इलाके गुलशन इकबाल से, जहां पटवारी के घर डकैती की वारदात। डाकू लाखों रुपए के तलाई जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। तीन रोज में चार वारदातें, शहरी परेशान हो गए। पुलिस हुकाम से डाकुओं को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। पटवारी के घर सरेशान डकैती की वारदात में डाकू अहलखाना को यरगमाल बना लिया और डोर बेल होने पर पटवारी ने जू ही मेन दरवाजा खोला तो तीन डाकू अंदर घुस आए और डाकुओं ने 20 मिनट तक घर के अंदर रहे। उन्होंने खवतीन के पहने हुए तलाई जेवरात भी उतरवा लिए। डाकू लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, नकदी और तीन मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। पुलिस मुलजमान को तलाश करने में नाकाम। सर्किल आरिफ वाला में डाकुओं की तीन रोज में चौथी वारदात। शहर में बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों में खौफ और हिरास फैल गया। और अब खबर शामिल करेंगे चिन्यूट से, जहां साल 2021 की पहली पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले दिन डिप्टी कमिश्नर रियाज कार्टर सेंट पॉइंट समेत दीगर इलाकों का अचानक दौरा, बच्चों को कथरे पिलाने और उंगलियों पर निशानात की तस्दीक भी कर दी गई। आगाह करें आपको, चिन्यूट में साल 2021 की पहली पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले दिन डिप्टी कमिश्नर रियाज पॉइंट समेत दीगर इलाकों का अचानक दौरा किया, बच्चों को कतरे पिलाने और उंगलियों पर निशानात की तस्दीक की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना है कि पोलियो मुहिम 11 ता 15 जनवरी तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम में 2,39,758 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पोलियो मुहिम में 758 टीमें जबकि 5 साल तक की उम्र के बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएंगी। पोलियो टीमों के साथ सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात किए गए हैं। पोलियो टीम में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि वालदैन अपने बच्चों को हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं और उन्हें उम्र भर की मासूरी से बचाएं। और आपको खबर दें शेखपुरा से, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कोमल ज्यादती केस के मरकजी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ शेखपुरा के मुताबिक इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनने वाले तीनों मुलजिमान सगे भाई हैं। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फैसलाबाद के इलाके समंदरी से गिरफ्तार किया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज्यादती केस के मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ शेखपुरा के मुताबिक इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले तीनों मुलजमान सगे भाई हैं और मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से फैसलाबाद के इलाका समुंदरी से गिरफ्तार किया गया। डीपीओ शेखपुरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि मरकजी मुलजमान पंजाब के मुतद थानों में 35 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने वकुआ डकैती जिना के मुतलक इकबाले जुर्म भी कर लिया है। आप सबको यकीन दिलाता हूँ की जो मुदई हैं, जो कोमल का ख़ानदान है, हम इंशाल्लाह उसको पूरा तहफ़ इंशाल्लाह देंगे और उनकी प्रोटेक्शन करेंगे और मुलज़मों को इंशाल्लाह कानून के मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी तफ्तीश को और तमाम शवाहिद को अच्छे से अच्छा मैच्योर करें ताकि ये सजा के कटहरे से ना बच सके। डीपीओ शेखपुरा गुलाम बशीर मेकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक पुलिस हर मुमकिन कोशिश करेगी। चौधरी शहजाद असकर, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज शेखपुरा। अब रुख करते हैं मानावाला का, जहां पर मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया गया। लोगों का देरीना मसला हल हो गया। गैस का प्रेशर कम रहने की वजह से लोग परेशानी का सामना करना पड़ता था, जबकि लोगों ने मेट्रो वन न्यूज का शुक्रिया भी अदा किया। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज चौधरी माजिद भट्टी से। जी चौधरी माजिद भट्टी, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ की। जी बिल्कुल, जैसा कि कुछ दिन पहले मेट्रो न्यूज़ ने खबर चलाई थी कि मानावाला में प्रेशर कम होने की वजह से लोगों ने एहतजाज किया है, तो लोगों का एहतजाज रंग ले आया। मेट्रो न्यूज़ की खबर पर एक्शन हो गया। अब लोगों के चूल्हे जो हैं वो चलना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ एक शहरी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि गैस के हवाले से, प्रेशर के हवाले से इनका क्या कहना है। जी जी माशाल्लाह, गैस बिल्कुल ठीक है। मेट्रो न्यूज़ का बहुत खुशी, इनको खबर चलाई माजिद भट्टी साहब ने खबर चलाई। अब गैस का प्रेशर बिल्कुल ठीक है, घरों में खाना भी पक रहा है, चूल्हे भी चल रहे हैं, अब बिल्कुल प्रेशर भी ठीक हो गया है। ये मेट्रो न्यूज़ का हम खुश आमदीद कहते हैं कि इन्होंने ये खबर चलाई और गैस का प्रेशर ठीक हुआ। कुछ दिन पहले लोगों ने इहतजाज भी किया था, लेकिन अब मेट्रो वालों ने चलाया और ठीक हो गया प्रेशर। अब बिल्कुल घरों में गैस भी ठीक आ रही है
खाने भी पक रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना शहरी का कहना था कि मेट्रो की खबर पर एक्शन होते हुए अब प्रेशर ठीक हो गया है, घरों में खाना पकना जो है वो आसान हो गया है। कुछ दिन पहले जो था खाना पकाना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए इनका ये शुक्रिया अदा करते हैं अदारे का और गैस ऑफिस वालों का जिन्होंने इस पे एक्शन लेते हुए प्रेशर को ठीक किया। जी और कैरोड़ पक्का से आपको खबर दें जहां बार एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। इंतखाबात में राना मंजूर अहमद खान सदर जबकि मियां माज सईद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। बार में मिठाइयों और मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंद वहां पर मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी हसनैन खान, आगाह कीजिएगा। और यहाँ पर आपको बताएं कोटा दो पुलिस थाना दायराधीन पना और फूड अथॉरिटी की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई की गई। देसी घी बनाने वाली जाली फैक्ट्री पकड़ी गई, फैक्ट्री सील कर दी गई, लाखों रुपए मालियत का घी बरामद कर लिया गया, तीन अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए। आगाह करें आपको कोटा दो थाना दीन दायरापना में पुलिस का फूड अथॉरिटी के हमरा अड्डा खान चौक पर देसी घी बनाने वाली जाली फैक्ट्री पर छापा, लाखों रुपए मालियत का जाली घी बरामद कर लिया, तीन अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए। मुखबिर के तला पर पुलिस और फूड अथॉरिटी ने अड्डा खान चौक पर आबिद गुज्जर की जाली देसी घी की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां दो नंबर घी को मल्टीनेशनल कंपनी शानदार और टॉप प्योर के नाम से मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। इत्तला मिलते ही डायरेक्टर फूड अथॉरिटी जनूबी पंजाब शहजाद मक्सी मौके पर पहुंच गए, फैक्ट्री को सील कर दिया। मुलजिमान काफी अरसे से ये घिनौना काम कर रहे थे। मोहम्मद